इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अभी तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मुंबई के वालिफ थाने की पुलिस ने अभी तक तुनिशा और शिजान खान के तमाम करीबी लोगों और टीवी सीरियल के सेट पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ की है। पुलिस उन सभी का बयान दर्ज कर रही है जो दोनों के करीबी थे या साथ रहते थे। पुलिस ने अभी तक जितने भी बयान दर्ज किए हैं उसमें उन्हें कहीं भी दोनों के बीच झगड़े या उससे जुड़ी चीजें नहीं मिल पाई हैं। पुलिस की जांच टीम आरोपी शिजान खान के साथ भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि वैसे तो पूछताछ के दौरान शिजान खान के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल ही थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के हाव भाव होते हैं, लेकिन एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने वो फूट फूट कर रोने लगा। सूत्रों का कहना है कि शिजान खान दो दिनों से लगातार ब्रेकअप के पीछे अलग अलग थ्योरी बता रहा था, लेकिन जब इस केस में एक महिला अधिकारी ने पूछताछ शुरू की तो वो रोने लगा। महिला अधिकारी की माने तो पहले तो चुप रहता था वो, उसके हावभाव देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस अच्छी तरह जानती है कि वो एक्टर है, लिहाजा हो सकता है कि वो सहज दिखने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच पुलिस ने मौका वारदात को सील कर दिया है। पुलिस ने तुनिशा शर्मा के ब्लड सैंपल, कपड़े और ऑर्नामेंट्स यानी कान के झुमके, गोल्ड की चेन समेत सारे सामान जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि तुनिशा की मौत को लेकर कोई क्लू मिल सके। मुंबई पुलिस के सामने भी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शूटिंग के उस दिन सेट पर ऐसा क्या हुआ था कि तुनिशा ने अचानक खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया।